हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू टुडे? वेल, काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं जो हमें अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ टीसीएस के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स डिस्कस करूंगा। वैसे तो फ्रेंड्स, काफी सारी चीजें होती हैं फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, बट मैं आज बड़े ही सिंपल तरीके से आपको फंडामेंटल एनालिसिस समझाऊंगा। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कुछ जरूरी चीजें देखेंगे, जैसे कि रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करेंट एंड करेंट लायबिलिटीज, एल्टमान जेड स्कोर, एबिटा। और फ्रेंड्स, टेक्निकल्स में हम दो मेन चीजें देखेंगे, पहला है ट्रेंड और दूसरा है 200 डे मूविंग एवरेज। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं टीसीएस के फंडामेंटल्स के साथ। तो फ्रेंड्स, ये टीसीएस की इनकम स्टेटमेंट है, ये हम देख रहे हैं वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन डॉट कॉम पे। तो अगर हम टीसीएस का ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखें तो हम देख सकते हैं कि मार्च 2016 में ये था 85,864 करोड़, फिर 2017 में बढ़ गया अराउंड 92,000 करोड़, फिर हम देख सकते हैं 2018 में 97,356 करोड़, और ये आगे भी बढ़ रहा है। तो रेवेन्यू कंटिन्यू इनका बढ़ रहा है। 2019 में 1,23,000 करोड़, 2020 में 1,31,306 करोड़, और इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये जो टीटीएम है ट्रेलिंग 12 मंथ्स की, अभी तक का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें है 1,31,251 करोड़, और ये भी और भी बढ़ सकता है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो देख सकते हैं लगातार इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है वो बढ़ रहा है। इसके बाद हम देखेंगे इनकी अदर इनकम। अगर हम देखें अदर इनकम, ये होती है कोई एफडी से इंटरेस्ट आता है, कोई इन्होंने प्रॉपर्टीज रेंट पे दी होती है, वहां से रेंटल आता है, तो इनकी अदर इनकम हो जाती है। तो अब हम ऑपरेटिंग रेवेन्यू और अदर इनकम जो इनकी है 5,679 करोड़, इसको ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल इनकम आ जाती है 1,36,930 करोड़। इसमें से हम टोटल एक्सपेंडिचर लेस कर देंगे, जैसे कि रॉ मटेरियल कॉस्ट, पावर एंड फ्यूल कॉस्ट, एम्प्लॉयज को सैलरीज दी जाती है, मिसलेनियस एक्सपेंस, तो ये है 95,091 करोड़, ये लेस कर देंगे हम 1,36,930 करोड़ से। उसके बाद जो हमारी फिगर आती है वो आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 41,839 करोड़। कंपनी ने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया होता है तो उसका इंटरेस्ट लेस हो गया 678 करोड़। फिर जो हमारी फिगर आती है वो है पीबीडीटी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ये है हमारा 41,161 करोड़, जिसमें से डेप्रिसिएशन कम हो गई, ये हो गई हमारी 2,895 करोड़। उसके बाद हमारी जो फिगर आती है वो है 38,266, ये है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम्स। इसके बाद जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स होगा, जो टैक्स कम होगा इस फिगर के अंदर, वो है 8,812 करोड़। उसके बाद हमारा निकल के आ जाता है प्रॉफिट जो है 29,454 करोड़। तो दोस्तों, अगर हम प्रॉफिट देखें 2016 से, 2016 में इनका प्रॉफिट था करीब 23,000 करोड़, 2017 में था 23,653 करोड़, पिछले साल से ज़्यादा है। 2018 में अगर हम देखें तो 25,241 करोड़, 2019 में अगर हम देखें तो 30,000 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर है, 2020 में 33,260 करोड़, और अभी ये जो फाइनेंशियल चल रहा है इसमें 29,454 करोड़ है, और ये भी आगे बढ़ भी सकता है। तो ये हम देख सकते हैं कि लगातार इनके प्रॉफिट्स भी बढ़ ही रहे हैं, ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी बढ़ ही रहा है, तो ये काफी अच्छा साइन है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे शेयर कैपिटल। अगर हम पिछले 3 साल से देखें, 2019-2020 और ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, तो ये स्टैग्नेंट है, विच मीन्स कंपनी ने कोई न्यू शेयर इशू नहीं किया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद हम देखेंगे टोटल रिजर्व। अगर हम टोटल रिजर्व देखें टीसीएस के 2016 से, तो वो लगातार बढ़ रहे हैं, थोड़े से यहाँ पे 2,000 करोड़ कम हो गए थे 2018 में, उसके बाद हम देख सकते हैं 2019 में फिर से बढ़ गए 78,000 करोड़, 2020 में थोड़े कम हो गए थे ऑलमोस्ट 74,000 करोड़, और अब फिर से बढ़ गए। तो ओवरऑल हम देखें तो इनके जो रिजर्व्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन है। अभी इनके करंट रिजर्व्स हैं 83,846 करोड़। फिर हम देखेंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज, इनकी जो नॉन करेंट लायबिलिटीज हैं वो है 6,102 करोड़। कंपनी ने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया होता है, कोई डेफर्ड टैक्स होता है, तो ये आ जाती है इनकी नॉन करेंट लायबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म में देनी होती है। फिर आती है करेंट लायबिलिटीज, जो लेस देन अ ईयर में देनी होती है, ट्रेड पेबल्स होती हैं या कोई शॉर्ट टर्म लोन होता है, तो ये इनकी करंट लायबिलिटीज हैं 25,346 करोड़। तो दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे एल्टमान जेड स्कोर। तो दोस्तों, अगर हम देखें एल्टमान जेड स्कोर, तो टीसीएस का एल्टमान जेड स्कोर है 40.54, ये एक बहुत ही अच्छी फिगर है। अगर किसी कंपनी का एल्टमान जेड स्कोर 3 या उससे ऊपर हो, तो उसका मतलब ये है कि अगले 2 साल में वो कंपनी बैंकरप्सी की तरफ नहीं जा रही। इसका एल्टमान जेड स्कोर है 40.54, लिटरली आप मान सकते हैं कि आपका पैसा बिल्कुल ही सेफ है इस कंपनी के अंदर। बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है ये, इसमें आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, फंडामेंटली तो ये कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम इनका देखते हैं 10 ईयर्स एग्रीगेट EBITDA, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ये है 269,807.57 करोड़। इसके अंदर से टैक्स और डेप्रिसिएशन अगर हम कम कर दें,
इनका जो नेट प्रॉफिट है पिछले 10 साल में जो उन्होंने नेट प्रॉफिट बनाया है वो है 2,13,764.5 करोड़। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही एक अच्छा प्रॉफिट है, तो ये काफी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आइए फ्रेंड्स अभी हम इसके टेक्निकल्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये टीसीएस का वीकली चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं हायर हाईज एंड हायर लोज बना रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हायर हाई एंड हायर लो, यहाँ भी देख सकते हैं हायर हाई एंड हायर लो। तो ये जो वीकली चार्ट है अगर मैं आपको उसका टाइम फ्रेम बताऊं तो 2007 से ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे अप ट्रेंड में हायर हाईज एंड हायर लोज। इसका मतलब ये है कि जो भी चार्ट पे आप देखेंगे हायर हाईज एंड हायर लोज बन रहा है और प्राइस अगर 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है, जो ब्लू लाइन आप ये देख रहे हैं ये 200 डे मूविंग एवरेज, अगर प्राइस इससे ऊपर है हायर हाईज एंड हायर लोज बन रहे हैं तो ये आइडियली एक बहुत अच्छा स्टॉक बन जाता है फॉर इन्वेस्टिंग, जो कि अप ट्रेंड में स्टॉक है। इसके अंदर जब भी ट्रेड आएगी फ्रेंड्स उस पर मैं डेफिनेटली एक वीडियो निकालूंगा, अभी इसको बाय करने का राइट टाइम नहीं है लेकिन जब भी इसमें ट्रेड होगी मैं डेफिनेटली आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। तो फ्रेंड्स टेक्निकली भी ये स्टॉक जो है काफी स्ट्रांग है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे जल्दी एक नई कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के साथ। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।